हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई कहते हैं कि अगर आपने जो है अपने शो को बचा के रखा है, तो फिर चाहे आप स्टोरी कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, इट्स नॉट मैटर, क्योंकि आपके हाथ में टीआरपी है। और अगर आपके हाथ में टीआरपी नहीं है, तो आम जनता भी यही कहेगी ये शो खतरे में है। या फिर जिसे कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, वो भी यही कहेगा, हाँ यार ये शो बंद हो जाएगा। ऐसा बहुत बार सुना गया है, बहुत सोशल मीडिया के पेज पर इस तरह की न्यूज़ आती है। ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ आपकी एकता कपूर के शो की। एकता कपूर के बहुत से शो चल रहे हैं, बहुत से शो वो लाने वाली हैं। ऐसे में वो बॉलीवुड पे भी कदम रख चुकी हैं, लगातार कोई ना कोई वेब सीरीज, शो, मूवी वो दे ही रही हैं। लेकिन फैंस उनसे टीवी शो के बारे में जो है चर्चाओं में कुछ सुनना चाहते हैं। ऐसे में आपको मैंने बताया था, जी टीवी ने अपनी कमर कस ली है, जहाँ पे उसने अच्छे अच्छे शो की भी स्लॉट चेंज कर दी। रब से दुआ, कैसे मुझे तुम मिल गए, जो स्लॉट के बाद जो है टीआरपी अच्छी नहीं निकल पाई, जहाँ हमने बताया था कि इनकी टीआरपी निकलना वहाँ पर बहुत मुश्किल होगा। लेट टाइमिंग इसका अच्छा हो गया, इसे लेट टाइमिंग नहीं छेड़ना चाहिए। बाकी शो जो 9 के नीचे नीचे हैं या 9 पे हैं, उन्हें छेड़ना चाहिए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने जो है लेट टाइमिंग वालों को अर्ली टाइम में डाल दिया। ऐसे में अगर हम बात करें कि एकता कपूर के आप 3 शो देख रहे हैं, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, तीनों ही शो जी टीवी के अकॉर्डिंग अच्छी टीआरपी दे रहे हैं। जी टीवी के अकॉर्डिंग अगर बाकी शो की देखें तो वो 0 पॉइंट में चल रहे हैं, पर जी टीवी पे एकता के भाग्य 1+ में दे रहे हैं। लेकिन जो है जी टीवी अगर जितना प्रॉफिट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग एकता के शो वो प्रॉफिट नहीं करा पा रहे। कई बार जो है एकता के शो पे प्रॉब्लम आती है, लेकिन उन्होंने जी टीवी वालों ने इतनी बड़ी टीआरपी नहीं मांगी हुई है। जैसे कुंडली से जो मांगी हुई है वो उतनी दे रहा है, कुमकुम से जो मांगी है वो 1-2 पॉइंट नीचे कर रहा है, भाग्य कुछ ज़्यादा ही नीचे है। जैसे हम आपसे लाइव में बता देते हैं, जितनी टीआरपी भाग्य से मांगी हुई है उसमें वो काफ़ी नीचे है। जहाँ पे लगा था कि भाग्य की स्टोरी चेंज हो जाएगी, दुर्गा बन के अपनी बेटी का वो करेगी, लेकिन उस तरह का ट्रैक देखा नहीं गया। पता नहीं कहानी कहाँ से कहाँ मोड़ गई। अब फिर से प्रोमो आया है कि बेटी को नुकसान हुआ है तो फिर से दुर्गा बन गई है, बट इस तरह का सीन कब आएगा, कैसे होगा, कुछ कहना मुश्किल है। ऐसे में अब खबर आ रही है कि एकता कपूर के जी टीवी का शो जो है भाग्य लक्ष्मी स्लॉट चेंज होने वाली है। ऐसे में उसे 8 o'clock मिलने वाली है। अगर आप मेरी लगातार वीडियो देखते हैं, तो मैंने आपको कम से कम 1 हफ्ता पहले वीडियो बनाकर दे दी थी कि जी टीवी पे एकता के शो की स्लॉट चेंज होगी। ऐसे में 8 o'clock पर आपका भाग्य लक्ष्मी होगा, 9 o'clock पर जो है आपका कुमकुम होगा और 10 o'clock पर कुंडली भाग्य होगा। ऐसे में ये भी बताया था कि ड्यूरेशन जो है 1-1 घंटा होने वाला है। सिर्फ भाग्य के शो को ही ड्यूरेशन ज़्यादा दिया है फिलहाल, कब तक का, 16 सितंबर तक का, क्योंकि इनके जो नए शो के प्रोमो आए हैं, जागृति या फिर आपका जो दूसरा आया है एक रियलिटी शो आया है, तो वो सब शो जो है 16 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। तो जब तक जो है आपके भाग्य को मौका दिया जा रहा है 1-1 घंटे के एपिसोड के लिए। लेकिन आज खबर आई है कि एकता कपूर के भाग्य लक्ष्मी परमानेंट 8 o'clock पर स्लॉट हो रहे, मतलब स्लॉट मिलने वाली है, और 8:30 आपका जागृति को जाएगा, जो एक बच्चे का शो है, उड़ान जैसी स्टोरी लग रही है उसकी, वेदराज का ही है। ऐसे में जो है खबर है कि भाग्य लक्ष्मी की स्लॉट अब जो है 8 PM पर ही हो जाएगी। फिलहाल तो जो है डिसाइड तो जो है नया प्रोमो जब आएगा, यानी कि जो जागृति का जो प्रोमो है, जब तक वो सामने भी डेट और टाइम नहीं आ जाता, तब तक कहना मुश्किल है। इसीलिए बस अभी खबर उड़ी है, और ये खबर इसीलिए उड़ी है क्योंकि जैसे मैंने आपको 1 हफ्ता पहले न्यूज़ दे दी थी कि 8 o'clock पर भाग्य लक्ष्मी जाएगा, क्योंकि राधा मोहन का कल लास्ट एपिसोड है। तो ऐसे में परसों से जो है भाग्य लक्ष्मी 8 o'clock पर कर दिया जाएगा, उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा। अब भाग्य लक्ष्मी की 16 सितंबर के बाद स्लॉट चेंज होती है या नहीं होती है, या वो अपने उसी टाइम पर चला जाएगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, जब तक आपका जागृति का विद टाइम प्रोमो नहीं दे देते। तो ऐसे में अगर भाग्य लक्ष्मी 8 o'clock पर जाता है तो काफ़ी अच्छा लगा है हमें, क्योंकि बुरा मत मानना, क्योंकि जब तक आप नए शो को अच्छी टाइमिंग नहीं देंगे, तब तक टीआरपी निकलना बहुत मुश्किल है। और जी टीवी को थोड़ा सा हटकर फैसला लेना चाहिए। उम्मीद है कि उनका ये फैसला उनकी जी टीवी को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।